Hey guys, good afternoon and welcome to Study for Civil Services. My name is Sutan Gupta and I'm your educator. So, Mandi Parishad के लिए तीसरा पेपर लेकर के आया हूँ मैं. तो ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा. तो जो भी स्टूडेंट जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में उसको समझ सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. इसके लिए आपको करना क्या है, हमारा चैनल सब्सक्राइब. हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं विच आर डेडिकेटेड टू ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम लाइक यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी. आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं. आपकी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग कोर्सेज आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो. टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज ये मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. और पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, बहुत ध्यान से पढ़िएगा. और जैसे कि आपने पिछले दो वीडियोस में देखा होगा मैंने आंसर्स को हाईलाइट करके रखा है बिकॉज हमें एक वीडियो में 50 से 55 क्वेश्चन को डिस्कस करना है जितने भी कर पाए. तो देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विल क्रिएट एन आध्यात्मिक विभाग स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट. तो कौन सी राज्य सरकार बनाएगी एक आध्यात्मिक विभाग, ठीक है. तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब. इसका सही जवाब है एमपी, ठीक है. तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वह आध्यात्मिक विभाग बनाएगी, ठीक है. इंग्लिश में इसको स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है. तो ये याद रखिएगा. अब इसको बनाने के लिए किया क्या गया है, इसमें दो चीजें हैं. एक है जो मध्य प्रदेश में होता है तीर्थ एवं मेला, ठीक है, और राज्य आनंद संस्थान. तो ये दोनों मर्ज किए गए हैं आध्यात्मिक विभाग को बनाने के लिए, ठीक है. इसको इंग्लिश में स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट कहते हैं जैसा कि मैंने बताया. तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है कि किसको मर्ज करके बनाया गया है. तो वो आप याद रखिएगा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया तीर्थ एवं मेला और राज्य आनंद संस्थान, ठीक है. तो चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड संवाद विद स्टूडेंट प्रोग्राम. तो देखिए, वैसे अगर एक नजर में देखा जाए तो शायद एचआरडी दिमाग में आता है, लेकिन एचआरडी ऑप्शन में ही नहीं है. ऐसे ऑप्शंस यूजुअली कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चंस भी कंफ्यूज करते हैं. तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ा करो. किस संगठन ने छात्रों के साथ समाजवाद या फिर संवाद के कार्यक्रम को शुरुआत की है, तो वह है आपका इसरो, ठीक है. अब इसरो के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि कब बना, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है. तो इतना फिर हम इसमें जाएंगे नहीं. आंसर इसका रहेगा इसरो. अपने आंसर जरूर चेक करते जाया करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए. इससे आपका ही फायदा होगा, किसी और का नहीं, ठीक है. इस चीज को थोड़ा खास ध्यान देना है. तो चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इम्पोज द फाइन ऑफ 100 करोड़ रुपी फॉर इट्स फेलियर टू कर्ब इलीगल कोल माइनिंग इन द स्टेट. तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है मेघालय. हिंदी में बात करूं तो किस राज्य सरकार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे एनजीटी के नाम से भी जाना जाता है, काफी समय सतर्क है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल काम को लेकर के. तो कोयले खनन को रोकने में विफलता कारण 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है, वो लगाया है मेघालय पे. क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्यों लगा, मतलब क्या रीजन रहे होंगे इसके अलावा भी. मेघालय और भी कई चीजों से न्यूज में रहता है, तो कोई बताएगा कौन सा ऐसा रीजन है जिससे मेघालय न्यूज में रह रहा है, कमेंट करके जरूर बताएगा. इसके अलावा मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ कि मेघालय का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को. टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे. और इसके बात करी जाए गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर है तथागत रॉय और चीफ मिनिस्टर है यहाँ के कोनराड संगमा, ठीक है. तो ये याद रखिएगा, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट. बाकी आपको अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया तो आपको उसमें पता चल ही गया होगा, ठीक है. इसका हाई कोर्ट मेघालय हाई कोर्ट है. आई गेस इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए सफिशियंट रहेगी. चलिए आगे आते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जैसे कि काफी चीजों का रोल रहता है इसमें. तो क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. और देखिए, जो जरूरत होगी उसको करेंगे, ऐसा नहीं कि हम सब करेंगे. आपके जो भी डाउट्स हैं, डिबेटेबल पॉइंट्स हैं, आप उनको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. क्वेश्चन आपके सामने, सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स दैट. तो सेज लॉ ऑफ मार्केट का मानना है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है. तो जो सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है, वह अपनी मांग स्वयं बनाती है. देखो, ये बहुत सिंपल सी बात है. अगर कोई चीज सस्ती है तो सीधी सी बात है कि उसकी उस हिसाब से अच्छी डिमांड होगी, लेकिन वैरी करती है. वैरी कैसे, मान लो अगर नमक बहुत सस्ता हो जाएगा तो ऐसा थोड़ा खरीदना शुरू कर दोगे. ये इन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ. अगर नमक सस्ता है तो ऐसा तो होगा नहीं कि बस आप लगाते हुए चले जाओगे, जितना मन का खा लोगे. तो ये चीज होती है. अब बात करी जाए
सेज की, तो ये एक इकोनॉमिसिस्ट थे, फ्रेंच के हैं, मतलब फ्रांस के हैं ये, और 1767 में इनका जन्म हुआ, 1832 में इनका मृत्यु हुई। और इन्होंने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और ऑफ कोर्स ये काफी सारी चीजों को लाइक वैधी करता है कि अब लग्जरी आइटम है तो उसकी एक अलग डिमांड होगी। अब बीएमडब्ल्यू को कुछ भी कर लो, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर क्लास होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज, तो पूंजी की सीमांत दक्षता है क्या है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट। ओके, तो पहला इसका सही जवाब है नए निवेश पर प्रतिफल की अपेक्षित दर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट में आता है। चलिए आगे आ जाते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर से ही रहा, और रहा ये क्वेश्चन है, वेयर डिड द पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ऑन 9 मार्च 2019। मार्च का करंट अफेयर है, 9 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व तो संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया। तो इसका सही जवाब है नोएडा, ठीक है। और काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि नोएडा आपका दिल्ली में आता है, जबकि ऐसा नहीं है, नोएडा आपका यूपी में आता है और दिल्ली अलग है, ठीक है, यूनियन टेरेटरी है। और दूसरी बात, नोएडा में आपको पता होगा कि एक सैमसंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है, और ऐसा अनुमान है कि वहां से हजारों की संख्या में लोगों को जॉब मिलेगी। खैर देखते हैं जो भी होता है। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा क्या है, नोएडा। करंट अफेयर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है आजकल के एग्जाम में। अगर आपने पिछले दो वीडियो देखे तो मैं यूजुअली 10 से 12 क्वेश्चन रख रहा हूँ करंट अफेयर के, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है। लगभग 20% पेपर, 30% पेपर तक करंट अफेयर से आता है। चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, जगदीश मुखी इज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, तो ये रिसेंटली चेंज हुआ है, तो मिजोरम इसका सही जवाब होगा। जगदीश मुखी को अभी मिजोरम का बनाया गया है, ठीक है, और मिजोरम भी काफी न्यूज में रहता है, अगर आपको बताओ तो, रोड के लिए काफी स्ट्रगल किया है, ठीक है। और अच्छा, एक मैं इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मिजोरम से नहीं, बट ऑफ कोर्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो अभी किसी स्टेट से आपका आफ्सपा हटा है, AFSPA, इसको हटाया गया है, द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अभी हटा है, तो वह स्टेट कौन सा है, मैं नॉर्थ ईस्ट से ही बात कर रहा हूँ, तो देखिए वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से रिसेंटली आफ्सपा हटा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कहीं पे अगर कानून व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं होती है तब लगता है, और यहाँ पे देखते ही शूट का ऑर्डर होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और दूसरा, मिजोरम एक और न्यूज में था रिसेंटली, ये मार्च की न्यूज है, और वो ये है कि मिजोरम में बिल पास हुआ है टू डिटेक्ट इलीगल फॉरनर, ठीक है। तो द मिजोरम असेंबली हैज यूनैनिमसली पास द मिजोरम मेंटेनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्टर बिल 2019 दैट सीक्स टू डिटेक्ट फॉरनर इलीगली रेजाइडिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ मिजोरम। तो जो भी फॉरनर्स हैं और जो इलीगली रह रहे हैं, उनके लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए बिल पास किया गया है, ठीक है, जिससे कि एक क्रेडिबिलिटी बनी रहे, आइडेंटिफिकेशन हो पाए, ये सारी चीजें। तो मिजोरम से जुड़ी चीज बता दी मैंने, AFSPA के बारे में भी बता दिया, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं और एक क्वेश्चन और, ये रहा करंट अफेयर से ही है, इसे देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं स्टैटिक पार्ट में रखूंगा, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर इज सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक पार्ट है, इतना बहुत है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। भाई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करते जाओ, जितना आप अटेम्प्ट करेंगे फायदा आपका ही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, तो किसी देश में रहने का मानक इसके द्वारा दर्शाया गया है, तो वो है आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है, क्या है, पर कैपिटा इनकम, PCI बोलते हैं,
इंडिया की वैसे बहुत कम है। पिछले साल आपने एक न्यूज सुनी होगी कि हम फ्रांस को पीछे छोड़ चुके हैं जीडीपी के मामले में। बिल्कुल सही बात है, जीडीपी के मामले में तो हम फ्रांस को छोड़ चुके हैं, लेकिन फ्रांस में और इंडिया में जो एक पर कैपिटा इनकम का फर्क है वो लगभग 8 से 10% का, 8 से 10 गुने का है, परसेंट का नहीं बोलूंगा, 8 से 10 गुने का है। ऑफ कोर्स हमारे कंट्री में एक पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। खैर ये सारी बातें जरूर याद रखिएगा, स्टैंडर्ड लिविंग किसी कंट्री का आप पर कैपिटल इनकम से रखते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कमेंट बॉक्स में उसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। तो चलिए हम आगे आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, तो रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जब एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे होते हैं, व्हेन देयर आर टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल दे हैव अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो वो अपोजिट स्पिन करते हैं, विपरीत घूमते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब याद रखिएगा क्या होता है, अपोजिट स्पिन। अच्छा अब इसमें किसका प्रिंसिपल है, किसने प्रिंसिपल दिया था? तो देखिए ये प्रिंसिपल दिया था पॉली ने, तो इनको पॉली प्रिंसिपल बोला जाता है। तो किस प्रिंसिपल के बेस पे है, यह है पॉली प्रिंसिपल पे, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, मिल्क टेस्ट सोर व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो दूध के खट्टे स्वाद जब कुछ समय के लिए खुले में रखा जाता है होता है, तो उसका सही जवाब है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्या है, लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, अब इसके कई रीजन होते हैं। देखो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मिल्क में बैक्टीरिया होता है, इट कंटेन्स बैक्टीरिया, और इसमें नेचुरली सुगर भी होती है जिसको लैक्टोज बोला जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी बनता है कि जो उसमें सुगर पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लैक्टोज। और जो बैक्टीरिया होते हैं जो रहते हैं दूध में, वो एनर्जी पाते हैं फ्रॉम स्पेशल सुगर जो कि मैंने अभी बताई लैक्टोज, एंड यूज इट टू रिप्रोड्यूस द मिल्क इवन मोर बैक्टीरिया, और उसे फिर ज्यादा बैक्टीरिया बनाते हैं। मतलब ऑलरेडी जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज से एनर्जी लेता है और वो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं, और जब ऑफकोर्स जब ज्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं तो वह खट्टा होने लगता है। और इसका एक और है, खट्टा क्यों होता है, तो देखिए जो लैक्टोज सुगर होती है ये चेंज होती है आपकी लैक्टिक एसिड में, इसकी वजह से खट्टा होता है। तो अगर सीधी सी बात बता दी मैंने आपको पॉइंट, जो लैक्टिक एसिड दिया तो क्यों, जो आपकी जो लैक्टोज सुगर है वो बैक्टीरिया की वजह से लैक्टिक एसिड में चेंज होती है। लैक्टोज याद रखिएगा, लैक्टोज सुगर चेंज होती है फिर लैक्टिक एसिड बनता है, तो खट्टेपन का कारण, तो खट्टेपन का कारण आपका क्या है, लैक्टिक एसिड। आई होप ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा, और वीडियो लाइक जरूर करते जाइए, बिकॉज जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं उतना कॉन्फिडेंस आता है और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाने के लिए। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, सो क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायर्ड फॉर अ मैन इज, तो स्टैटिक पार्ट है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जरूर। तो वह है आपका 1000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर फॉर एवरी 20 मिनट। ठीक है, तो प्रत्येक 20 मिनट में उसे 1000 घन फीट हवा की आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करते जाइए, भले आपके सामने आंसर सीधे सीधे आ रहे हैं। आंसर मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे सारे ऑप्शन ना पढ़ने पड़े, आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, आपके लिए इतना मैं कर सकता हूं, तो आप वीडियो जरूर पॉज कर लिया करिए ऑप्शंस को पढ़ने के लिए, और ऑप्शंस पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कई बार बहुत ही क्लोज होता है। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं, और भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, तो ये रहा आपका ओके। अब ये क्या है इसे देख लेते हैं, रिजन पाइन का उपयोग किया जाता है, रिजन पाइन इज यूज टू, तो इसका सही जवाब है रिड्यूस टू हाई ब्लड प्रेशर। और आपको पता होना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर को अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो यहाँ पे लिख देगा हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन भी इसका एक सही जवाब है। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी या कम करने में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि आपको बताया मैंने। इसके अलावा ये स्ट्रोक को भी प्रिवेंट करता है, हार्ट अटैक, किडनी, मतलब ऐसा नहीं कि बचा लेता है बट प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, तो इट्स क्वाइट यूजफुल, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस, तो इसका सही जवाब है आपका ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। तो एलिसा का परीक्षण के निदान के लिए नियोजित है, तो क्या है वह, क्षय रोग जीवाणु। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल
कर रही है टीबी को रोकने के लिए। मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी हैं इससे रिलेटेड। इस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर रही है, ठीक है, और इसका एक प्रोग्राम भी है। उस प्रोग्राम को नाम दिया गया जीत, ठीक है, JEET। किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। मैं आपको टीबी के लिए बता रहा हूँ। एक जीत प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, JEET, और इसका फुल फॉर्म है आपका ज्वाइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसके अंतर्गत 2025 तक देश से आपका ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने की बात चल रही है, ठीक है। आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के भी काम चल रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इसको कंट्रोल किया जाए। मतलब ऐसा हो जाए कि 1 मिलियन में कोई एक केस मिले, ठीक है। वैसे भी अभी तक कुछ ड्रग्स वगैरह भी हैं। क्या कोई मुझे नाम बताएगा? कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट करिए और बताइए कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करी जाती है या क्या यूज किया जाता है। अटेम्प्ट जरूर करिए, क्वेश्चन बन सकता है। बाकी दो चीजें बताएं, उसको भी आपको याद रखना है। तो आगे आते हैं, और ये क्वेश्चन का काफी कॉमन है। अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, तो अंगोरा ऊन निकाला जाता है, तो देखिए ये रैबिट से निकाला जाता है। कुछ लोगों ने इसे गोट भी सुना है, तो देखिए ये भी सही है, लेकिन रैबिट इसका मैं बोलूंगा मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा। कुछ लोगों ने शायद इसे गोट सुना हो, बकरी सुना हो, तो ये भी सही है, आपको मिल जाएगा अगर आप इसको सर्च करोगे इंटरनेट पर जाकर के। लेकिन इतनी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। मान के चलो रैबिट है, स्टैटिक पार्ट आता है, साइंटिस्ट मत बनना करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका रहा, अंगोरा इज रिलेटेड टू रैबिट, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। अब हम करंट अफेयर से ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन रहा आपके सामने ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए। हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर इन इंडिया, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? अभी देखो कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी इंडिया में 16 रेलवे जोन है। 16 नहीं है, रेलवे जोन इंडिया में अब हो चुके हैं 17, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 17 जोन है, तो 17वां रेलवे जोन कौन सा है बताइए? ये है आपका मेट्रो रेलवे कोलकाता, ये आपका 17वां जोन बना है। इसके पहले 16 जोन होते थे, ये रेलवे से रिलेटेड है, याद रखिएगा। आप पिछले दो वीडियोस में भी देखे तो मैं रेलवे रिलेटेड करंट अफेयर जरूर रख रहा हूँ, बिकॉज रेलवे का एग्जाम भी है, एंड ऑफकोर्स आप में से काफी सारे लोग उसको भी देंगे ही, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से ही है। करंट अफेयर भाई की है आज के टाइम पे। मैं एक चीज बोल सकता हूँ, अभी जो आपका रेलवे का पेपर आएगा उसमें आप देख लेना, का 100 नंबर का पेपर है ना, एटलीस्ट आपको जीके पार्ट, अगर 30 नंबर की जीके आ रही है तो, या 40 नंबर की, 10 से 12 नंबर की आपको करंट अफेयर मिलेगा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पार्ट होता है। फिर आया फर्स्ट फुली वुमेन ऑपरेशन, तो महिला संचालित स्टेशन कौन सा है, पूरी तरीके से महिला संचालित स्टेशन कौन सा है? तो ये है आपका गांधीनगर, ठीक है। अब बात आती है गांधीनगर है कहाँ पे, तो गांधीनगर है आपका जयपुर में, ठीक है। इसको गांधी धाम मत समझ लेना जो गुजरात में है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऑप्शन में हो सकता है कि गांधी गांधी हमें याद रहता है और हम गांधी जी पे जय माता दी करते हैं, तो गलत हो जाएगा। गांधीनगर है, ये जयपुर का स्टेशन है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से महिला संचालित स्टेशन है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑफ अ कमोडिटी मीजर्स, तो किसी व्यक्ति किसी चीज का कमोडिटी का पूंजीगत तो उत्पादन मापता है या अनुपात को मापता है, कौन सा अनुपात है? तो देखिए इसका सही जवाब है द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड यूनिट ऑफ यूनिट आउटपुट, तो प्रति यूनिट उत्पादन में निवेश की गई पूंजी की मात्रा, ठीक है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैपिटल यूज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वैसे मान लो कि कोई चीज ली गई है, उससे आउटपुट निकालने के लिए पर्टिकुलर टाइम में यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, ये जो लाइन बोली मैंने आपको, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैपिटल यूज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस रेशियो हैज अ टेंडेंसी टू बी हाई व्हेन कैपिटल इज चीप एज कंपेयर टू अदर इनपुट्स, ठीक है, तो वो हाई रहती है। तो बस छोटी सी बात है, आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री और माइन अनलेस ही इज अबव द एज ऑफ,
हिंदी में बात कर लो इस क्वेश्चन की, तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को कारखानों में काम के लिए नहीं रखा जा सकता जब तक कि वह उससे अधिक उम्र का ना हो। तो उम्र क्या है? वो है 16 साल। ठीक है, अच्छा अब यहां से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे बनता है, देखिए, सॉरी 14 साल ना कि 16 साल, 14 साल इसका सही जवाब होगा। अभी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और बन सकता है, तो इसमें आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो आर्टिकल कौन सा हो गया, 24, बलात्श्रम। ठीक है, हिंदी में इसको बलात्श्रम बोला जाता है। इसमें भी कुछ फैक्टर है, एक एज और है, मैं आपसे उस एज को जानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा कि 14 साल के ऊपर भी एक एज है जहां पे रहता है कि आप फैक्ट्रीज में और जहां पटाखे वटाखे होते हैं वहां पे भी नहीं कर पाएंगे। एक और क्राइटेरिया है, 14 से 18 के बीच में है, क्या होगा वो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्वेश्चन बनता है वहां से। ठीक है, आगे आते हैं, और नेक्स्ट आपका सामने रहा पॉलिटी से ही क्वेश्चन है। द रिट ऑफ हैबियस कार्पस इज इश्यूड इन द इवेंट ऑफ, ठीक है, तो हैबियस कार्पस का रिट जारी होने की स्थिति में क्या होता है, रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन, गलत पुलिस हिरासत होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हैबियस कॉर्पस कभी आपका इशू किया जाता है जब गलत पुलिस हिरासत हो। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, हिंदी में भी आए हो आपको समझ में आ चुका होगा, हैबियस कॉर्पस का लेखन की स्थिति में जारी किया जाता है तो एक गलत पुलिस हिरासत में। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको याद रखनी है। हम आगे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने रहा ये, सो द प्लेचू दैट हैज बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम, तो पठार जिसमें पश्चिम पूर्व दोनों बहने वाली निकासी व्यवस्था है वह कौन सा है, तो देखिए वो है आपका मालवा प्लेटू। अब ये 2-3 दिन पहले आपका पीआईबी में भी आया था, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें भी ये चीज आई थी, तो इसको जरूर याद रखिएगा। पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से उठा करके क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मालवा प्लेटू, और इसके बारे में कुछ बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो देखिए, मालवा प्लेटू हो रफली फॉर्म अ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द विंध्याचल हिल्स, तो अभी ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये विंध्याचल पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, बाउंड बाय द अरावली रेंज इन द वेस्ट एंड मध्य भारत, पठार टू द नॉर्थ एंड बुंदेलखंड टू द ईस्ट। इतनी चीजें हैं, खैर इतना जानने की यूपी ट्रिपल एससी में जरूरत नहीं है। आपका बेस्ड का इसका बेस कहाँ है, उसका ट्राइंगल बेस है विंध्याचल हिल्स, बाउंडेड बाय अरावली रेंज, और अरावली रेंज कहाँ, वेस्ट से मध्य भारत, पठार टू नॉर्थ एंड बुंदेलखंड। ठीक है, इतना इसमें आता है। अब इसके दो ड्रेनेज सिस्टम है, एक है आपका अरेबियन सागर की तरफ, जो अरेबियन सागर है, ठीक है, द नर्मदा एंड तापी एंड द माई, ये नदियां हैं उसमें आती हैं, और दूसरा है जो आपका वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, जहाँ पे चंबल बेतवा यमुना को ज्वाइन करते हैं। तो ये मैंने आपको जो पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम भी इसका बता दिया, वो भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा ज्योग्राफी अच्छी करने के लिए मैं हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कि मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए, आप जितना अच्छे मैप से पढ़ पाएंगे उतना अच्छा रहता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और आसान है क्वेश्चन, बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन आसान है। सो टॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये स्टेट, ये क्वेश्चन आप SSC, CGL, CHSL, MTS, रेलवे सब एग्जाम में आया हुआ है, मतलब इतना कॉमन क्वेश्चन है। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे दे देगा कि 4 स्टेट रख देगा और आपको 3 बताने होंगे, या फिर 6 रख देगा फिर 1 बताने होंगे, तो इस तरीके से भी किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा स्टेट जितने भी स्टेट्स हैं, तो जैसे ये आपका भारत बनता है, तो माफ कीजिए मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ये आपका भारत बना तो ये पूरी ऐसी जाती है, पूरे स्टेट ऐसे लाइन में पड़ते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आप मैप में देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ज्योग्राफी से ही एक और क्वेश्चन, अ ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट स्पेशल टू द डेक्कन प्लेटू इज, तो डक्कन के पठार के लिए एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है, वो है आपका संडालवुड, जिसे आपका चंदन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और भी कई डेसिडुअस ट्रीज हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधे हैं, उनके नाम मैं बता देना चाहता हूँ, अगर सैंडलवुड या चंदन को ऑप्शन में नहीं देता, तो एक हो जाता है आपका टीक, फिर हो जाता है साल, शीशम, महुआ, ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं। अगर इंडिया में बात करी जाए तो बेसिकली ये जो यहाँ फैले हुए हैं वो शिवालिक रेंज है, उसमें फैले हुए हैं, और ये नॉर्थ टू ईस्ट फ्लैंक करती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट से बेसिकली जुड़ा हुआ है। ये बस इतना याद रखिएगा, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पता होना चाहिए। ज्योग्राफी इजी होती है, लेकिन वो तब जब आपको ने मैप वैप पढ़ा होगा, अदरवाइज इट साउंड्स एलियन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। तो वो रहा आपके सामने ये, द बर्थ प्लेस ऑफ एन आइकॉनिक पर्सनैलिटी अमृता शेरगिल इज, तो एक प्रतिष्ठित व्यक्तिगत अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है, तो वो है आपका हंगरी। ठीक है, क्या है? हंगरी, ये याद रखना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, यस, सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर विद डोम शेप रूफ इरेक्टेड ओवर द सैक्रेड रिलिक रिलिक्स ऑफ बुद्धा इज नोन एज, तो बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर एक गुंबद के आकार की छत के साथ एक अर्ध परिपत्र संरचना के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका एडिक्स, जिसे आप बोलते हैं अदा। ठीक है, ये स्टैटिक पार्ट है और इनको मैं एवरग्रीन जी के बोलता हूँ। अब इनके बारे में बहुत जो कुछ जान भी लोगे तो भी तुम्हारे लिए कुछ फायदा नहीं करने वाला, बिकॉज नीदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीएससी और यूपीएससी। अगर उनके लिए आप कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हम लोग सेपरेट देखेंगे, काफी से कुछ चैनल ने पढ़ा, आप उनको देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे जब हम उन लोगों को टिक कर देते हैं जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहीं पे एग्जामिनर खेल जाता है। क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, तो हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर विल बी फेलिसिटेटेड बाय द काउंसिल ऑफ यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन, तो निम्न में से किस अभिनेता को भारत में यूरोपीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की परिषद और यूरोपीय संघ के प्रतिमंडल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उसका सही जवाब है अनिल कपूर। कुछ लोग उसको शाहरुख खान कर सकते हैं क्योंकि इनको रिसेंटली डॉक्टरेट मिला। आपको पता होना चाहिए शाहरुख खान को 4 डॉक्टरेट मिल चुकी है, वो ऑफिशियली अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, बट ही नेवर यूज दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा ऑफकोर्स न्यूज में रहती हैं, इनका एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल सीरियल भी चल रहा है, कोई मुझे उस सीरियल का नाम बताएगा, काफी फेमस है और बहुत पुराना है, उन्होंने इनको रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली इनका एक एल्बम भी आया था। मैं चाहूंगा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। अनिल कपूर के बारे में ऑफकोर्स इनको कौन नहीं जानता, बच हम बड़े ही हुए इनकी मूवीज देखते हुए। इनकी एक बहुत ही फेमस मूवी थी जो ऑस्कर पे पहुंची थी, स्लम डॉग मिलेनियर, और काफी इनका नाम रहा उसमें। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ हॉलीवुड मूवीज में थोड़ा सा टाइम के लिए एक्ट किया है, ठीक है, और ऑफकोर्स ऋषि कपूर का तो नाम बिल्कुल भी नहीं है, सोच के मत लेना, इतने भी इस टाइम पे पॉपुलर नहीं है, ऑफकोर्स ही हैज बीन। चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने करंट अफेयर से ही ये, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऑन विच डेट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रैन इन इंडिया, हु गेव द सर्विस बिटवीन रेलवे बॉम्बे वीटी एंड कुर्लान, ये रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है, तो भारत में किस तारीख को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, ठीक है, तो जिसने सर्विस दी बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच में। ऑप्शन आपके सामने है और इसको थोड़ा देखिएगा, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, बट मैं चाहूंगा आप इसका आंसर जरूर रटन करो। उसका सही जवाब है फेब्रुअरी 3, 1925, ठीक है, इसको ये 1960-70 मत सोचना, पहली बार 3 फरवरी 1925 को चली थी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप इसको ऑफिशियली भी चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑफकोर्स रेलवे का एग्जाम आ रहा है तो इम्पोर्टेंट भी रहेगा, ठीक है, तो इसने सर्विस कहाँ से कहाँ तक दी थी, तो ये सर्विस दी थी इन्होंने वीटी से लेके कुर्ला तक, ठीक है, और दोनों के दोनों मुंबई में है, ठीक है, इतना बहुत है इसके लिए। चलिए आगे आते हैं और भी कुछ क्वेश्चन उनको उनको भी डिस्कस करते हैं। पूंजी की सीमांत दक्षता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट, ओके, तो नए निवेश पर प्रतिफल की अपेक्षित दर ही पूंजी की सीमांत दक्षता होती है या कहलाती है, तो प्लीज रिमेम्बर दिस पॉइंट। चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी नाउ, तो अब संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है, तो ये एक लीगल राइट है, इसको याद रखिएगा, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ करता था, लेकिन अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो नहीं रहा, अभी आपका एक लीगल राइट है, मतलब गवर्नमेंट आपसे ले सकती है, ये याद रखिएगा। और दूसरा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो वो अमेंडमेंट से रिलेटेड बन जाता है कि कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, तो देखिए जो 44th अमेंडमेंट हुआ था उसमें एलिमिनेट कर दिया गया था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को, अब ये आपका लीगल प्रॉपर्टी बनता है। अच्छा, अब
आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल जरूर बताइए कौन सा आर्टिकल बनता है। चलिए जब तक आप आंसर दीजिए हम आगे क्वेश्चन में आते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज तो भाग के रूप में कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है आपका 4। ठीक है चलिए आगे आते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज फाउंड इन, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी या फिर राजनीतिक समानता में पाई जाती है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, तो ये इसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस टर्म को जरूर याद रखें जो इसमें हाईलाइट है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वोटिंग नहीं लिखा है लेकिन इसमें आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसका सही जवाब होगा। ये टर्म्स अच्छी है, राइटिंग वगैरह में आपको मदद कर सकती है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। इफ इन द ईस्ट इट इज गुहार मोती, इन नॉर्थ इट इज सियाचिन ग्लेशियर, देन इन साउथ इट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक है इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। आपने कभी अगर मैप देखा है तो आपको सबसे नीचे दिखेगा। ठीक है आप इंडिया का मैप एक बार देख लीजिए। ठीक है तो अगर कुछ ऐसा मैप आ रहा है तो आपको ये इस जगह पे दिख जाएगा। ठीक है इंदिरा पॉइंट, वैसे अब ये सबमर्ज हो चुका है वाटर लेवल काफी बढ़ जाने की वजह से। स्टैटिक जीके से एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो मधुगवानी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज अ पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो मधुगबनी भारत में निम्न में से किस राज्य में लोक चित्रों की एक शैली है जो कि लोकप्रिय है। तो इसका सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश। स्टैटिक जीके है जैसे कि मैंने बोला एवरग्रीन, इतना बस जान लो इनके बारे में, बहुत ज्यादा जानने की और समझने की जरूरत नहीं है। चलिए द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, तो भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक है, तो ये है बाल गंगाधर तिलक। अच्छा मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में बताइए बाल गंगाधर तिलक को और किस नाम से जाना जाता था। जरूर अटेम्प्ट करिएगा बिकॉज ये तो सबके सब बता लोगे लेकिन इनको नहीं बता पाओगे। बाकी मोतीलाल जी के बारे में आपको पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में भी पता होगा, और वल्लभ भाई पटेल तो ऑफकोर्स इनको कौन नहीं जानता। अगर पूरी आज के टाइम पे पॉलिटिक्स हो रही है तो इनका नाम आपको हर दूसरे तीसरे दिन मिल जाएगा आम आदमी की लैंग्वेज में। तो इनको बताइए बाल गंगाधर तिलक जी को और किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में। देखिए अटेम्प्ट जरूर करते जाया करिए, अगर आप अटेम्प्ट करते रहेंगे तो फायदा आपका है। क्वेश्चन तो मैं कराता जा रहा हूँ बट अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो फिर नुकसान आपका है। अगेन ए क्वेश्चन, थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो गांधी जी ने किस सिद्धांत या उपकरण के जरिए आर्थिक विषमताओं को पाटने का प्रयास किया, तो वह था ट्रस्टीशिप थ्योरी। ठीक है वैसे गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग इनके बहुत बड़े क्रिटिक होंगे लेकिन उन्होंने काफी कुछ किया है। और सबसे बड़ा चीज जो मुझे पर्सनल लेवल पे पसंद है अहिंसा परमो धर्मा, देश को यूनाइट किया है इन्होंने। अगर ये यूनाइट नहीं करते तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। उसके अलावा ऑफ कोर्स सत्याग्रह हो गया, नमक छोड़ो आंदोलन हो गया, से बहुत ज्यादा क्रेडेंशियल्स हैं इनके। खैर वो सारी एक अलग बातें हैं लेकिन इसका आंसर जरूर याद रखिएगा दैट इज ट्रस्टीशिप थ्योरी। ठीक है चलिए आगे आते हैं। महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम, तो महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा के लिए प्रेरणा मिली कहाँ से मिली, तो वो मिली इनको ट्यूरो से। ठीक है तो ट्यूरो से मिली, बाकी काफी ये पढ़ते रहते थे और यहाँ पे भी जो नाम दिए गए हैं दूसरे इनमें भी कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत ये इंस्पायर रहे हैं। फिलहाल सिविल डिसोबियंस की बात कर लीजिए, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये ट्यूरो से इंस्पायर हुए थे। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, तो पहला भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए थे। तो भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे, वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहला देश जहां सबसे पहले सिविल सर्विसेज स्टार्ट की गई, तो वह है चाइना। ठीक है पेपर चाइना काफी कुछ है। अच्छा प्रेजेंट टाइम पे भी चाइना बहुत कुछ कर रहा है। रिसेंटली मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट जरूर करिए, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिसेंटली आपके जो
चाइना है उसने इंडिया के किसी पार्ट को मतलब अभी हटाया है कि उसने बोला है कि हमारा हिस्सा नहीं है, वह कौन सा पार्ट है? नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, बस इतना बता सकता हूँ आपको। तो बताइए कौन सा रहेगा, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन रहा साइंस से, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब? तो वह है आपका पारा, वाष्प और आर्गन। तो मरकरी वेपर एंड ऑर्गन, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा इसमें यूज किया जाता है। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर मैं रेलवे की बात करूं, इवन यूपी के एग्जाम में भी, और एसएससी की बात कर लें तो भाई जीके का पार्ट का लगभग 30-40% पेपर आपका साइंस से आ जाता है। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली? तो रासायनिक रूप से दूध ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो देखिए ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, तो वह MgOH2, ठीक है, क्या है? MgOH2, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाते हैं और इस तरह से क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं, थोड़ा रुझान रहता है इनका, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए हम आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कौन सा है। तो रहा ये द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन इन इंडस्ट्री? तो उद्योग में पॉलीथीन के निर्माण निम्नलिखित में से किसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है? तो वो है आपका एथिलीन का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ओके, और दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ठीक है, और या फिर जब पॉलीथीन बनाई जाती है तो इसमें और कौन सी चीज यूज होती है? दूसरा, करंट में बहुत न्यूज चल रही है कि पॉलीथीन पे रोक लगाने के लिए, बैन करने के लिए, तो वह कितने एंगस्ट्रॉम की तक की पॉलीथीन यूज करी जा सकती है? इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर न्यूज में रहते हैं और इनसे आपको अपडेटेड भी रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर आपने मेरे फिजिक्स के कोर्स देखे हैं जो मैं स्टडी फॉर एग्जाम में बनाता हूँ, तो वहां पे ये सब डिस्कस किया हुआ है, आप पूरी की पूरी साइंस जाके देख सकते हैं, 16 वीडियोस वहां पे हो चुके हैं। इसका जो सही जवाब है, तो वायु के बल और वेग को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह है आपका एनीमोमीटर, ठीक है, तो एनीमोमीटर इसका सही जवाब होगा। और ऑडियोमीटर वगैरह तो बिल्कुल मत कर देना, सुनने से होता है उसका, ठीक है। क्लास 7 की एनसीईआरटी में ये चीज दी गई है, अब देखते हैं किसने पढ़ा होगा। तो वूलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन एक बुरा संवाहक है, वूल इज अ बैड कंडक्टर, ओके, तो ये याद रखिएगा। दूसरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा बन जाता है, वो ये कि गर्मी में काले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? तो सीधी सी बात है कि वह ऊर्जा को ज्यादा अवशोषित करता है, ठीक है, इसलिए गर्मी में हमेशा थोड़े हल्के कपड़े पहनने चाहिए और सर्दी में थोड़े भारी कपड़े पहनने चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क? तो निम्नलिखित में से किस मामले में काम करने में गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दूरी तय करने के लिए कार चलाना, ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस, ठीक है, तो उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रखिएगा, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भूल गए और ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं। इसका सही जवाब आपका ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस इज द राइट आंसर। एनी क्वेश्चन यहां तक? और ऊपर के भी अगर आपने कोई क्वेश्चंस किए हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अटेम्प्ट जरूर करते जाइए। इसके बारे में मैं थोड़ी सी और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। द वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट गोज इन टू चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंस द वर्क डन बाई द कार इंजन इज इक्वल टू द चेंज इन एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज बींग यूज इन परफॉर्मिंग वर्क, ठीक है, तो काम करने के लिए आपका काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है, या इसको बोला जाए गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पक्का। चलिए आगे आते हैं और भी एक दो क्वेश्चन से उनको देख लेते हैं, जितने हमारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं उन क्वेश्चन को देख रहे हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सनलाइट मेक द सोलर कुकर हॉट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए सूर्य के प्रकाश के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सौर कुकर को गर्म करता है? तो देखिए जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी इंफ्रा रेड रेज जो होती है वो कुकर को गर्म करता है, ठीक है,
चलिए इसके बारे में कुछ और चीजें बता देता हूँ। जैसे कि ग्लास होता है तो वो ट्रांसमिट करता है विजिबल लाइट को, बट जो ब्लॉक इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन से उसे बचाता है। दिस एम्पलीफाई द हीट ट्रैपिंग इफेक्ट। सोलर कुकर और सोलर ओवन इज अ डिवाइस विच यूजेस द एनर्जी ऑफ डायरेक्ट सनलाइट टू हीट फूड और ड्रिंक टू कुक इट स्टरलाइज इट। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द सोलर कुकर प्रेजेंटली इन यूज आर रिलेटिवली चीप लो टेक डिवाइसेस बिकॉज दे यूज नो फ्यूल, कॉस्ट नथिंग टू ऑपरेट। सीधी सी बात जो मैंने बोली वो ये बोली कि भाई ये इंफ्रारेड को लेते हैं और ये काफी चीप होते हैं बिकॉज ये किसी भी तरीके के फ्यूल को यूज नहीं करते, आपके हाई प्रोफाइल इक्विपमेंट को यूज नहीं करते इन्हें ऑपरेट करने के लिए। आगे आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं आज के लिए। एक क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िएगा ध्यान से। यदि किसी कण के वेग का वेग माइनस समय के ग्राफ को वाई इक्वल टू एम टी प्लस सी द्वारा दर्शाया जाता है तो कण के साथ घूम रहा है, तो इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई इक्वल टू एम टी प्लस सी देन द पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो वो लगातार चलता रहता है। ओके, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे ऑलमोस्ट 45-46 क्वेश्चन तक हो चुके हैं इस वीडियो में। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। और इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड नाइट।